हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैनन का जो मॉडल आता है, कैनन का फोटोकॉपियर मशीन, कहते कि 2870 हो, 3300 हो, 2200 हो और 3200 हो, इस सारे में 10 एरर, मतलब E0010-001, E0010-002, ये दो एरर आता है मशीन में, अक्सर मशीन में ये आता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका एक्चुअली कुछ ही रीज़न नहीं होता, ये एक्चुअली आपका मोटर ख़राब हो जाने से, या तो मेन मोटर, जो मशीन में जो मेन मोटर होता है वो अगर ख़राब हो जाए, तो ये मेन मोटर, तो ये आपका एरर आता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मोटर ख़राब है या फिर बोर्ड ख़राब है? अगर आपका ऑन करते ही, मतलब जैसे ही आप मशीन ऑन करेंगे, आपका आ गया E0010-001 या फिर E0010-002, तो ये अगर एरर आता है, तो अगर ऑन करते ही, मतलब आप जैसे ही ऑन करेंगे मशीन का सुई ऑन करेंगे, मशीन मतलब रेडी होने कंडीशन में, जैसे कि वेट लिख के एक प्रोसेस चलता है, वो प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होगा, आपका डिस्प्ले नॉर्मल होने की जगह में आपका वहाँ एरर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आप पहले एरर क्लियर करके चेक करेंगे, अगर एरर क्लियर करने के बाद में हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो आपको डीसी बोर्ड, ये जो डीसी बोर्ड आपको 2870 होगा, कोई सा ही मॉडल हो, डीसी बोर्ड आपको चेंज करना होता है उस कंडीशन में, ठीक है, 10 कंडीशन, क्योंकि ये डीसी बोर्ड, ये जो मोटर का कनेक्शन होता है, या देखिए ये यहाँ आके इस पर लगा हुआ है, ठीक है, यहीं से मोटर का कनेक्शन आके इस पर, क्योंकि डीसी बोर्ड और मोटर चला, अगर आपका जो बताया, जैसे मैंने बताया आपको, अगर मशीन आप ऑन करते हैं और कुछ वो मतलब रोटेशन पोजिशन कुछ नहीं है, मशीन ऑन करें, मशीन का प्रोसेस खत्म होने के बाद में 10 एरर आ गया, तो आप समझेंगे डीसी बोर्ड 100% डीसी बोर्ड ही ख़राब है, और आप डीसी बोर्ड आप परचेस करके चेंज कर सकते हैं। तो डीसी बोर्ड चेंज करने का भी तो मैं वीडियो बनाया नहीं हूँ, वीडियो बनाऊँगा, कोशिश करूँगा उसके लिए बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में अगर डीसी बोर्ड चेंज करेंगे, अगर आपका मतलब मशीन ऑन हो जा रहा है, रेडी हो जा रहा है मशीन, आप जब पेपर चलाते हैं या फिर ट्रे से सिलेक्ट करते हैं, या फिर आपका कोई टच को जैसे टच करते हैं पैनल को, जो उसके बाद में अगर एरर आता है आपका 10 एरर, तो आपका मोटर ख़राब हो जाता है। तो मोटर ख़राब होता है क्या, सही से वो आपका सिग्नल नहीं दे पाने के वाने से, तो ये मोटर ख़राब। तो ये मोटर चेंज करने का तरीका कुछ ऐसा बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो यहाँ पे 4 नट होता है, 1, 2, 3 और यहाँ एक नीचे में 4, ये चारों नट खोल देने के बाद में, तो ये कनेक्शन को, ठीक है, ये कनेक्शन को यहाँ से हल्का सा प्रेस करके नीचे की तरफ से उसको खींच लेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, और इसको भी ऐसे खींच लेंगे, ये ओपन हो जाए, तो ये बाकी दो खोल देने के बाद में, ये 4 नट खोल देने के बाद में ये मोटर आपका बाहर आ जाए। कभी कभार क्या होता है ना, मोटर का जो सेप होता है, जो कि ग्री मतलब दाँती होता है उसको, जो ग्रीप टाइप बोलते हैं, वो भी खा जाने से तो ऐसा एरर आता है, ठीक है। तो अगर मोटर का कोई गियर टूटे तो ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि गियर अगर टूटेगा तो आपका कॉपी नहीं आएगा, या फिर मशीन साउंड होगा, तो वो अलग मैटर है। तो इसमें आपका सिर्फ ये 4 नट खोलेंगे, फिर आप ये मोटर बाहर आ जाएगा, फिर आपको वही नया मोटर सेट करना है, बाकी 4 नट ग्रुप में डाल के आपको सेट करना है, फिर उसका कनेक्शन यहाँ लगा देना है, ठीक है। ये आपका कनेक्शन जैसे खोल लेते आपको लगा देना है, बस आपका 10 एरर बस में इतना ही है, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो 10 एरर आ रहा है तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको ये मोटर खरीद के लाके चेक सकते हैं, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मशीन है तो आप उस मशीन का मोटर या फिर डीसी बोर्ड खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उससे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका प्रॉब्लम। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।